दबो के एमएलबी स्कूल से लापता कक्षा नौवीं की दो छात्राएं वापस लौट आई हैं। आज हीराकुंड एक्सप्रेस से दमो स्टेशन पर जैसे ही यह छात्राएं उतरी, पुलिस ने इनको अपनी हिरासत में ले लिया। इसके बाद इनको कोतवाली लाया गया, जहां लेडीज पुलिस इनसे पूछताछ कर रही है। आपको बता दें कि विगत दिनों इन छात्राओं के स्कूल जाने के बाद घर वापस नहीं लौटने पर इनके लापता होने की शिकायत पुलिस में की गई थी। उसके बाद पुलिस इनकी पतासाजी में लगी हुई थी। वहीं इनके सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पता लगा था कि ये ट्रेन के जरिए गई हैं और जिसके बाद अफसा कौशल वापस आ गई हैं। इस पूरे मामले को लेकर सीएसपी अभिषेक तिवारी का कहना है कि पुलिस महिला पुलिस अधिकारी पूछताछ कर रहे हैं, जल्द मामले में जो जानकारी आएगी वो दी जाएगी। घटना काफ़ी गंभीर थी और जैसा कि आप सभी को विदित है कि हमारे जिले के पुलिस अधीक्षक और पूरी दमोह पुलिस जो है वो ऐसी घटनाओं को लेकर बहुत संवेदनशील है। तत्काल जो है हमने टीमें गठित की और रात भर जो है उन बच्चियों की तलाश की गई, ऐसे सभी साक्ष्य तलाशे गए, उनको ट्रेस करने की पूरी कोशिश की गई और रात भर तलाशने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हो सकता है इन बच्चियों का मूवमेंट जो है वो वाया ट्रेन जो है वो दमोह से बाहर हुआ हो। आरपीएफ की भी इसमें लगातार मदद ली गई और आरपीएफ की टीम भी लगातार हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चली और रेलवे स्टेशन पर भी हम लोगों ने इनको ट्रेस आउट करने की कोशिश की। 26 का पूरा दिन और 27 का पूरा दिन जो है लगातार हमारी टीमें इनको ट्रेस आउट करती रहीं। आसपास के स्टेशन और आसपास के जिलों पर हमने जो है इस सूचना को साझा किया। दोनों बच्चियों की मिसिंग से संबंधित जो जानकारी थी आसपास के स्टेशन को भेजी गई और वहां से लगातार हमारे पास इनपुट्स आ रहे थे, इनके मूवमेंट्स होते थे, हमारी टीमें वहां पहुंचती थी जब तक ये बच्चियां जो है वो उस पॉइंट्स को छोड़कर निकल जाती थी। आज देर शाम हमें पुख्ता जानकारी मिली कि इनका मूवमेंट वापस जो है वो वाया ट्रेन दमोह तरफ हो रहा है, हो सकता है ये दमोह स्टेशन पर उतरे, हो सकता है ये आगे जबलपुर तरफ निकल जाए। हमारी टीमें लगातार बीना से इनको ट्रेस कर रही थी और जैसे ही दमोह स्टेशन इनके पहुंचने की हमें जानकारी मिली तो हमारी टीमों ने ट्रेन सर्च किया और दमोह रेलवे स्टेशन पर जो है ये बच्चियाँ जो है हमें मिली हैं। इनके परिजनों को सूचित किया गया है, परिजनों द्वारा बच्चियों को पहचान लिया गया है और बच्चियों का क्या कारण था यहाँ से जाने का और इस बीच क्या पूरा घटनाक्रम हुआ, इसके संबंध में हमारी लेडी ऑफिसर जो है वो उनसे पूछताछ कर रही हैं। आगे जो भी हमारे पास जानकारी आएगी उसके अकॉर्डिंग ही आगे जो है इस प्रकरण में आगे कार्रवाई की जाएगी।